तो गाइस मेरे पास है SBS 17 स्टील बर्ड का फुल फेस हेलमेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका वाइजर चेंज करना सिखाऊंगा। बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक इसमें बारीकी है, वो बारीकी आपको नहीं दिखाई जाती होगी। वीडियो देखोगे फिर खुद से करोगे तो काफी कठिनाई आएगी, इसलिए इस बारीकी को ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ कैसे रिप्लेस करेंगे इसका वाइजर। मेरे पास ये दूसरा एक वाइजर है, इसके साथ मिला था स्टेयर में। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पुश बटन टाइप का। पहले तो इसको हम क्लोज करते हैं। ये पुश बटन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? तो इसको हमें इधर पुश करना है, दोनों साइड में है। तो सबसे पहले हम इसको पुश करेंगे। पुश करके यहाँ पे इसका लॉक है तो ये ओपन हो गया लॉक। अब यहाँ पे ग्रूव टाइप का बना है, इसमें हम लगा करके स्क्रू ड्राइवर से इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे, लेकिन पुल नहीं होगा। ये नॉर्मली सारे वीडियो में दिखाया जाता है इसको दबा करके ऐसे खींच के निकाल दो, लेकिन इतना इजी नहीं है। अब इसको क्या करना है कि आपको ये मैच कराना है। ये पूरा वाइजर बंद है, इसको हमें यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा टाइप का दिख रहा होगा, तो इस बटन को ऐसे ले करके ऐसे इससे मैच कराना है। ये बटन घूमेगा कैसे, तो हम वाइजर को पहले ओपन करेंगे। वाइजर को ओपन किए, अब ये गड्ढा यहां पे है, बटन का डायरेक्शन यहां पे है, तो हमें ऐसे मैच कराना है। यहां पे लाओ पास में, ये गड्ढे के पास बटन मैच हो गया है। अब यहां से करेंगे तो इसका लॉक आपको पूरा दिख रहा होगा, इजीली इसको निकाल सकते हैं यहां से। ये देखिए सेम इसमें भी करना है, गड्ढे को मैच कराएंगे। ऐसे मैच हो गया, अब इसको पुल करेंगे और इसको निकालें। तो अगर आप वीडियोस को ध्यान से नहीं देखते हैं, या सारे वीडियोस में बताया भी नहीं जाता है, उसमें बताया जाता है कि बस पुश करके खींच के निकाल दो, जब निकालने के चक्कर में टूट जाएगा। लेकिन मैं भी वही प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भी वीडियो देखा था, लेकिन वो फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर अपना दिमाग लगाया, हो गया, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब ये दूसरा वाइजर है। इन बिटवीन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी तो कुछ पता नहीं है, बाकी तो अपनी अपनी सोच है। अब ये हार्ड कोटेड चमकीला वाला है, ये देखिए इसको लगाए कैसे, सेम वही मेथड यूज करना है। मेरा हेलमेट यहाँ पे किस गया यार, सेट करके ठीक है। स्क्रू ड्राइवर, आलतू फालतू वीडियोस देख करके मैं चला था ये चेंज करने। यहाँ पे देखिए स्क्रैचेस आ गए, जबकि इजिली चेंज होता है। ये देखो यहाँ पे लगाओ, अभी मैं कुछ नहीं करना है। अभी लगाने के लिए सबसे पहले इस ग्रूव को मैच कराएंगे, उसके लिए फिर वही सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है। इसको यहाँ पे लाएंगे, एक गड्ढे को दोनों को बटन को मैच कराएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आया, अब इसको पुश करेंगे ऐसे और इसको बस रिलीज कर देंगे। इधर का हो गया, वैसे ही इधर का करना है। ये बाकी ये सब फिटिंग्स देख लेंगे चारों तरफ। इधर का भी वैसे ही करेंगे, पहले इस बटन को मैच कराएंगे। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, अब ये फिट हो गया।
ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम बटन को ऐसे पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉक है, जब तक हम इस वाइजर को घुमाएंगे नहीं ऐसे पुश करके, ऐसे हमें इसको मैच कराना है। यहाँ पे आके इस ये मैच हो रहा है इस गड्ढे से, उसके बाद हमें इसे ऊपर की तरफ पुल करना है। पुराना हमारा वाइजर था ट्रांसपेरेंट, थोड़ा ये चमकीला वाइजर लगा लिया इसमें, ये हटा देता हूं, बंद कर दिया। थैंक यू।